हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए स्पाइन पीसीएस। माय सेल्फ चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि हमने आपको अगस्त का करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया था, साथ ही आपका सितंबर का हमने प्रोवाइड किया। अब हम लोग यहाँ पर अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे। अक्टूबर का आज हम लोग पार्ट वन डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आपका 1 अक्टूबर से आपका 8 अक्टूबर तक जो भी करेंट इवेंट्स हुए हैं झारखंड में स्पेशली, उससे हम लोग यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे, जो कि आपके इस बार के एग्जामिनेशन जेपीएससी, जेएससी, सीजीएल और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। हमने प्रीवियस सेशन के रिगार्डिंग भी अगस्त सितंबर में बहुत सारे आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड किए थे। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे आपका और भी इम्पोर्टेंट जो अक्टूबर के हैं उसे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला था कि जनवरी से भी प्रोवाइड कीजिए, तो उसे हम लोग जल्द ही आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट वीक तक आपको सारे प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है इसमें? तो हम लोग आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही शेयर कीजिए, जिससे कि और भी इस पर मेंबर जुड़ सके। आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता दें, जेएससी सीजीएल के रिगार्डिंग जो स्टडी मटेरियल हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, अगर हम बात करें जेएससी सीजीएल का, पीटी और मेंस को मिला के 3 सब्जेक्ट मेन इसमें होते हैं। एक होता है आपका लैंग्वेज पेपर, जिसे हम लोग भाषा पेपर के तौर पर जानते हैं, जो कि सिर्फ मेन्स में होता है। सेकेंड जो होता है इसमें आपका मैथ रीजनिंग, और थर्ड हम जो डिवाइड करते हैं आपका जीके पेपर में। तो हम लोग जो स्टडी मटेरियल में भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जीके पेपर का टोटल प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि आपका सामान्य अध्ययन का, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स जो आपका, और साथ ही आपका जो पॉलिटी का पार्ट है सारा रहेगा, साइंस रहेंगे, कंप्यूटर रहेंगे, साथ ही आपका झारखंड होगा, फिर करेंट अफेयर्स आपका 2018 से 2019 तक सामान्य करेंट अफेयर्स, और स्पेशलाइज्ड आपका झारखंड करेंट अफेयर्स, प्रैक्टिस पेपर्स ही होंगे, और साथ ही आपका महत्वपूर्ण वीडियो भी आपको फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। अभी हम लोग लैंग्वेज पेपर का प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वो आपको पीटी के एग्जाम के बाद, क्योंकि वो मेंस में होता है, पीटी के एग्जाम के बाद प्रोवाइड किया जाएगा। और मैथ रीजनिंग में तो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए आपको उसमें प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेसिस पर, तो उसमें हम लोग नोट्स नहीं प्रोवाइड कर रहे, आपको सिर्फ इसमें जीके का प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, वही चीज़ को हम आज यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। तो उस चीज़ के ध्यान में रखते हुए एग्जामिनेशन के हूबहू जो आपका सिलेबस जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग ये सारे नोट्स बनाए गए हैं। क्लियर है? इसमें आपका बहुत सारे जो आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उस बेसिस पर नोट्स बनाए गए हैं, क्योंकि जो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं उसी बेसिस पर हम लोग एनालिसिस करते हैं कि हाँ इस बार का जो सिलेबस है वो किस प्रारूप में होना चाहिए, तो वो सारे चीज़ को फॉलो किया गया है। इसमें टोटल आपका यहाँ पहले ये 9 बुकलेट हुआ करता था, लेकिन और भी इसमें करेंट अफेयर्स के पार्ट जुटे हुए हैं, तो इससे आपका अभी करेंटली इसमें 10 से 11 बुकलेट मिल रहा है। इसमें आपका करेंट अफेयर्स सेपरेट आपका सारा बुकलेट होता है, एमसीक्यूज होते हैं, और सारे नए सिलेबस पर बेसिस है। आपको यहाँ पर बहुत सारे सपोर्ट किए जाते हैं, जो भी नोट्स वगैरह लेते हैं, साथ ही आपका आगे जितने भी पीटी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन तक जो भी आपका सपोर्ट जरूरी है वो सारे चीज़ आपको वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। मैगजीन प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि अभी तक का तो आपको सितंबर तक प्रोवाइड किया जाए, आगे भी आपको सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लियर है? तो उसके लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे आपका, जैसा कि हमने बताया, अक्टूबर 2019 का पार्ट वन करेंट अफेयर्स, झारखंड करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वह है आपका रूरल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने एक नया पॉलिसी बनाने का निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत इसे नाम दिया गया है रूरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसके तहत लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। यह एक पॉलिसी है, रूल्स है, रेगुलेशन है, जिसमें कि बहुत सारे नियम जो पहले से चले आ रहे हैं उन्हें या तो सरल बनाया जाएगा, मतलब सिंपल बनाया जाएगा, या फिर कुछ नए प्रोविजंस इसमें जोड़े जाएंगे। क्लियर है? इससे क्या होगा, लोगों को बहुत ज़्यादा लघु और कुटीर उद्योग से संबंधित उन्हें रोजगार मिलेगा इस पॉलिसी के बन जाने के कारण।
इससे आपका इस पॉलिसी में जो टेक्सटाइल उद्योग है उसके तर्ज पर ग्रामीणों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें रोजगार प्रदान करने वाली कंपनियों को रियायती दी जाएगी। साथ ही आपका झारखंड में बहुत ज्यादा मात्रा में बांस पाए जाते हैं, खजूर बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, तो इससे भी उत्पादों को और भी बढ़ावा मिलेगा और उनमें लोगों को जोड़ा जाएगा। संथाल के इसमें 6 जिले जितने भी हैं और साथ ही आपका कोल्हान के 3 जिले इसमें ज़्यादा उत्पादन होता है, तो उनसे उन्हें भी इस पॉलिसी के अंतर्गत जोड़ा जा रहा है। यहाँ के सभी प्रखंडों में प्रशिक्षण सह उत्पादन इकाई लगाने का काम जो ये आपका संथाल में जो 6 जिले और कोल्हान के 3 जिले हैं इन सारे प्रखंडों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें स्थानीय जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। अगर उन्हें रोजगार मिलता है तो उनका जो जीवन है वो उसमें बदलाव आएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसमें क्या, ये एक आपका सरकार का स्किल डेवलपमेंट के माध्यम के से इस पॉलिसीज को तैयार किया जा रहा है। इसमें इसका भी सहयोग रहेगा जिसमें कि आपका जो बोर्ड के कर्मी हैं और जो सखी मंडल है उन्हें भी इससे जोड़ा जाएगा। अभी जैसे कि प्लास्टिक का बैन लगाया जा रहा है पूरी तरह से, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का भी इनिशिएटिव है और झारखंड में भी उस चीज को लागू किया जा रहा है। तो बांस को एक वैकल्पिक तौर पर देखा जा रहा है, वो आपका उसको आसानी से उसको खत्म भी किया जा सकता है, इसीलिए प्लास्टिक के वैकल्पिक के तौर पर बांस का यूज किया जाएगा जिससे कि हम लोग प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे और इनसे बने हुए जो बांस से बने हुए पॉलिथीन होंगे या फिर जो उनसे द्वारा जो तैयार किए जाएंगे प्रोडक्ट उन्हीं का यूज करेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे कि सरकार को रोक लगा रही है तो बांस इसका उत्पादन का विकल्प बनेगा, इसीलिए बांस का जो मांग है हर जगह इसका बढ़ रहा है। तो और झारखंड में आपको हमने जैसा कि बताया यहाँ पर बहुत ज़्यादा बांस का उत्पादन होता है, तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए ये रूरल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाई जा रही है। एग्जाम में हमारी क्या पूछा जा सकता है, अगर पीटी एग्जाम ऑब्जेक्टिव में हम अगर बात करें तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि जो रूरल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है वो किससे संबंधित है, तो इसमें सीधा सा है इसमें जो भी प्रोडक्शन होती है टेक्सटाइल उद्योग हो गया या फिर जो बांस खजूर वगैरह उत्पादन होता है उनको इससे बढ़ावा मिलेगा इस पॉलिसी से। साथ ही आपका इस पॉलिसी से लघु एवं कुटीर उद्योग के जो बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने का इसमें रूल बनाया जाएगा। साथ ही आपका जो रूल्स नियम पहले से चले आ रहे हैं या फिर जो भी होंगे उन्हें सरल सिंपल बनाया जाएगा, तो ये मेन जो फोकस रहेगा आपका इस पॉलिसीज में रूरल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में ये सारी चीजों को इसमें जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है आपका करेंट अफेयर्स 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका एग्जाम में, हमने ये आपको एमसीक्यूज एक प्रोवाइड भी किया था क्यूज के तौर पर टेलीग्राम पर और अपना जो हमारा फेसबुक पेज है उस पर, तो वहाँ पर देखिएगा ये सारी चीज़ हमने वहाँ पर शामिल किया था, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका, बिरसा मुंडा का जो गाँव था जो उनका जन्म स्थान था उल्लूहा तो जो कि खुट्टी में पड़ता है को गोद लेने का डिसीजन लिया गया है BAU के द्वारा, बिरसा कृषि विवि के द्वारा। यहाँ पर जो कुलपति थे डॉक्टर RS कुरिल उन्हीं के द्वारा ये अनाउंस किया गया था। अब ये गोद लेके क्या किया जाएगा, उनमें कहाँ कहाँ से डेवलप किया जाएगा, एक सीधा सा इसका फोकस रहेगा कि ये डेवलपमेंट करने के लिए बिरसा कृषि विवि के द्वारा उल्लूहातु को गोद लिया जाएगा। इसमें जो निर्णय लिया गया है ICAR अटारी पटना के तत्वावधान में जो कृषि विज्ञान केंद्रों पर जो बैठक हुई थी उसी में यह निर्णय लिया गया था। अब इस जो निर्णय लिया गया है इसके तहत यहाँ पर जो कृषि से संबंधित जो फसल के तकनीक है प्रसार किया जाएगा और साथ ही आपका जनजातियों किसान जिससे क्या होगा प्रसार किया जाएगा कृषि, क्योंकि ये जो गांव है आपका पूरा का पूरा कृषि पर निर्भर है, अगर वहाँ पर कृषि की तकनीक और भी ईजाद होती है तो वहाँ पर जनजातीय जो किसान है उनकी आमदनी बढ़ेगी। और साथ ही आपका इसमें जो कृषि कार्य हैं साथ ही आपका जो अदर परियोजना के तहत आपका जैसे मधुमक्खी पालन वगैरह हो गया, बकरी पालन हो गया, सुगर पालन हो गया, बैकयार्ड पोल्ट्री हो गया फार्मिंग, ड्रिप इरिगेशन हो गया, गृह वाटिका हो गया, कृषि उत्पादन का प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन, कृषि वानिकी एवं बांस की व्यवसायिक खेती संबंधी योजना तैयार कर कार्यक्रम इस गांव में लागू किया जाएगा, मेन फोकस यही था। इसमें जो काम करेंगे आपका सिमडेगा के वैज्ञानिक और जो बिरसा कृषि विवि के
वैज्ञानिक है उनके तहत ये मिलके ये सारे काम किए जाएंगे। नेक्स्ट जो हम लोग थर्ड हमको यहाँ पर डिस्कस करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका, झारखंड को बेस्ट लर्निंग एंड शेयरिंग स्टेट का अवार्ड मिला है, और ये अवार्ड किसके तहत मिला हुआ है, आयुष्मान भारत के तहत। जैसा कि आयुष्मान भारत के तहत यहाँ पर आपको जो एक योजना है आपका, जिसमें कि आपका गोल्डन कार्ड बनाया जा रहा है, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जो आयुष्मान भारत के तहत जितने भी रजिस्टर्ड सूचीबद्ध जितने भी अस्पताल हैं वहां पर आप मुफ्त इलाज करा सकते हैं। तो झारखंड इस मामले में बहुत ही हर राज्यों के मुकाबले फर्स्ट पोजीशन पर है। अब तक आपको जैसा कि पता दें, अभी तक जो ये जन आरोग्य जो अभियान था, जो जन आरोग्य योजना था, जो आयुष्मान भारत के तहत स्टार्ट किया गया था रांची से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जी के द्वारा, तो उसके तहत 1 साल में यहाँ पर 73.05 लाख लोगों को गोल्डन कार्ड मिल चुका है। इस कार्ड के तहत आपका लोग अपना इलाज करा रहे हैं, जिससे कि आपका अभी तक 1 साल में 2,92,260 लोगों ने निःशुल्क अपना इलाज कराया है। इसके लिए गवर्नमेंट ने अभी तक जो क्लेम किया गया है, अब जो इलाज कराया जाएगा तो उस पर गवर्नमेंट क्लेम करेगी, जो हॉस्पिटल हो गए गवर्नमेंट से क्लेम किया जाएगा, तो वो बीमा कंपनियों से उन्हें प्रोवाइड किया जाता है ये फंड, जिसमें कि टोटल जो खर्च हुए इस पर आपका 258 करोड़ रुपीज खर्च हुए हैं ये निःशुल्क इलाज कराने में, जिससे कि अभी तक 206 करोड़ रुपये भुगतान किया जा चुका है। क्लियर है? तो इसमें से डेटा आपको याद रखना है कि झारखंड को लर्निंग, अब ये नाम देखिएगा यहाँ पर है लर्निंग एंड शेयरिंग स्टेट अवार्ड। अन्य राज्यों में जो स्थिति है गोल्डन कार्ड बनाने का वो बहुत ही धीमा है, तो इसलिए ये अवार्ड दिया जा रहा है, जिससे कि दूसरे राज्य भी झारखंड के जैसा सीख सके, सीखने लर्निंग एंड शेयरिंग लर्न कर सके और शेयर कर सके, और वो भी जैसा झारखंड ने अचीव किया है गोल्डन कार्ड बनाने में, अदर स्टेट भी उस पोजीशन को पा सके। इसीलिए ये अवार्ड झारखंड को मिल रहा है, जिससे कि अन्य राज्य भी ये चीज सीख सके और उस पर अमल कर सके। झारखंड द्वारा गोल्डन कार्ड बनाने के तरीकों को केंद्र सरकार की टीम ने बेहतर माना है और दूसरे राज्यों को भी इसे अपनाने की सलाह दी गई है। आयुष्मान भारत के 1 वर्ष पूरे होने पर झारखंड को बेस्ट लर्निंग एंड शेयरिंग अवार्ड दिया गया है। एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि अभी तक आयुष्मान भारत के तहत टोटल राज्य में झारखंड में कितने अस्पताल को सूचीबद्ध किया गया है, तो आपको ये डेटा इसीलिए हमने यहाँ पर दिया हुआ है, वो कहीं भी आपके बुक में नहीं मिलेगा, नहीं कोई आप बुक स्टडी करते हो, इसीलिए हमने यहाँ पर वो डेटा भी दिया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि शॉर्ट में हमको एक एक लाइन में डिस्कस कीजिए, तो वो आपके लिए बेस्ट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कोई नहीं जानता, इसीलिए हम लोग यहाँ पर दोनों चीज़ को डिस्कस करते हैं, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए इससे संबंधित वो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं आयुष्मान भारत के तहत झारखंड में जो सूचीबद्ध अस्पताल हैं 220 सरकारी अस्पताल हैं और 434 आपका निजी अस्पताल हैं जहां पर सूचीबद्ध है। अब नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज का फोर्थ करेंट अफेयर्स, परफॉर्मेंस इंडेक्स में रांची जिला छठे स्थान पर है। ये राज्य स्तरीय इंडेक्स है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये राज्य स्तरीय इंडेक्स है, झारखंड में रांची जिला को छठा स्थान मिला है, पूरे देश में नहीं, ये चीज को ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन करते हैं। अब ये इंडेक्स है क्या चीज, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाने हैं, जिसके तहत आपका 2016 और 2000 से 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2016-17 से 18-19 के बीच में कुल लक्ष्य रखा गया था कि झारखंड में 21,249 आवासों में अब तक आप लक्ष्य रखा गया था ये, अब लेकिन अभी तक आपका, सॉरी ये रांची का डाटा दिया हुआ है, 21,249, जिसमें कि आपका अभी तक 18,17,713 आवास रांची जिला में पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष अभी निर्माणाधीन है। उसी के तहत ये रांची को परफॉर्मेंस इंडेक्स में आपका छठा पोजीशन मिला हुआ है, मतलब कि आपका यहाँ पर जो रांची का ओवरऑल परसेंटेज है 49.42.49% यहाँ पर
वो अचीव कर चुका है, बाकी अभी निर्माणाधीन है। अब ये पहला पोजीशन किस जिले को मिला हुआ है? पहला पोजीशन आपका रामगढ़ जिला को मिला हुआ है, जिसने कि अपना जितना उसका टारगेट रखा गया था उसमें से 94.29% उन्होंने स्कोर कर चुका है, मतलब कि इतना परसेंट उसने जितना भी लक्ष्य रखा गया था उसका आवास अभी तक बनाया जा चुका है। वहीं 24 जिलों में सबसे निचले पायदान पर पाकुड़ जिला है, जहां पर औसत जो प्रतिशत है आपका 82.70% है। पाकुड़ सबसे निचले स्थान पर है। फर्स्ट पोजीशन पर रांची है, सेकेंड पोजीशन पर सॉरी फर्स्ट पोजीशन पर आपका रामगढ़ जिला है और छठे पोजीशन पर रांची को स्थान मिला हुआ है, और सबसे निचले स्तर पर जो मिला हुआ है वो आपका पाकुड़ जिला है, 24 जिलों में सबसे निचले स्थान पर, जहां पर अभी तक 82% अप्रोक्स 82% ही वहां पर काम पूरा हुआ है। क्लियर है? और ये जो परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है इसको ध्यान में रखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये इंडेक्स जारी किया गया है। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, फिफ्थ करेंट अफेयर्स, जो आज हम लोग पीएम आवास योजना के मेसन ट्रेनिंग प्रोग्राम में रांची राज्य भर में फर्स्ट पोजीशन है। ये भी जो पोजीशन दिया गया है ये भी आपका राज्य स्तरीय है, न कि नेशनल या फिर देश भर में यह स्थान नहीं मिला हुआ है, सिर्फ ये राज्य स्तर में जिले के बेसिस पर दिया जा रहा है। इसमें कारीगरों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसमें पहला स्थान दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो जैसा कि दो इंडेक्स जारी किया गया था, पहले परफॉर्मेंस इंडेक्स प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और दूसरा जारी किया गया है मेंशन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत, रांची को ये पहला स्थान मिला हुआ है, और जो परफॉर्मेंस इंडेक्स में आपका छठा स्थान मिला हुआ था। दोनों एक ही है लेकिन इंडेक्स डिपेंड करता है उनके, एक मिथा परफॉर्मेंस इंडेक्स जितने अभी तक आवास बन चुके हैं, और दूसरा जो है आपका कारीगर को प्रशिक्षण देने का इंडेक्स। इसमें आपका पहला स्थान रांची को मिला हुआ है। अब रिपोर्ट के अनुसार कुछ और भी चीजें यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे। रांची जिला को जो यहाँ पर एक 5 का बोल सकते हैं कि रेटिंग रखा गया था, जिसमें कि 3.39 अंक रांची को प्राप्त हुआ है, जबकि दूसरे स्थान पर चतरा को जिसमें कि आपका 2.7 अंक मिला हुआ है, और तीसरा स्थान जो सरायकेला खरसावा को प्राप्त हुआ है जिसमें कि उसे 2.64 अंक मिला हुआ है। जबकि कुछ ऐसे भी जिले थे, पाकुड़ ऐसा जिला है जहां पर 0 इंडेक्स उसको मिला हुआ है, 0 अंक मिला हुआ है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। मतलब कि सबसे निचले पोजीशन पर पाकुड़ यहां पर भी है, इसमें भी आपका जो सबसे निचला स्थल पर था आपका परफॉर्मेंस इंडेक्स पर पाकुड़ ही था, और ये आपका मेंशन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत भी पाकुड़ जिला ही सबसे निचले पायदान पर है जहां पर 0 अंक मिला हुआ है। अब ये मेंशन ट्रेनिंग है क्या चीज, मेंशन ट्रेनिंग है क्या चीज, इसमें राजमिस्त्री को ट्रेनिंग दिया जाता है, इसके तहत ग्रामीण आवास निर्माण में इन्हें कार्य मिल जाता है। अब नेक्स्ट और भी इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट ये देश भर में ये पोजीशन मिला हुआ है, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। पर झारखंड को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में दूसरा स्थान मिला हुआ है। पूरे देश में किसान मानधन योजना को लागू किया गया था, जिसका प्रारंभ 12 सितंबर को किया गया था। इसका हमने करेंट अफेयर्स एक डिटेल में सितंबर 2019 का करेंट अफेयर्स देखिएगा पार्ट 2, वो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, उसमें किसान प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, वो क्या है और झारखंड में उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा। हम यहाँ पर दोनों चीज को यहाँ पर रखे हुए हैं, एक साइड देखिएगा कि ये प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है क्या चीज, और दूसरे साइड में झारखंड को जो दूसरा पोजीशन मिला हुआ है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में, वो किस बेसिस पर दिया गया है और राज्य ने इसमें क्या अचीव किया था जिसकी वजह से पूरे देश में झारखंड को दूसरा स्थान मिला हुआ है, और अन्य राज्यों की क्या स्थिति है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको बता दें 12 सितंबर को देश भर में झारखंड से ही इस योजना का प्रारंभ किया गया था 12 सितंबर को। क्लियर है? जिसे नाम दिया गया था किसान मानधन योजना। अब ये किसान मानधन योजना है क्या चीज, तो इस योजना के तहत जिनका एज 18 से 40 वर्ष है उम्र के किसानों को रजिस्टर कराया जाएगा, और उन्हें 60 साल की उम्र हो जाने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। एज याद रखना है 18 से 40 के बीच में होना चाहिए,
उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, उनके बीच उनका लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करना होता है जो बहुत उनके एज पर डिपेंड करता है। अगर आपका एज 30 वर्ष है, 35 वर्ष है, उस बेसिस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना कंट्रीब्यूट करना है। तो आपको सबसे पहले इस एज में रजिस्ट्रेशन कराना है, और फिर किसान का जब 60 साल पूरा हो जाएगा उनका उम्र, तो उन्हें 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगा इस प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत। अब उम्र के आधार पर जैसा कि हमने बताया कि कितना कंट्रीब्यूट करना होगा, 18 से 40 के बीच में, मान लीजिए आपका 29 साल है तो आपको कितना कंट्रीब्यूट करना होगा रजिस्ट्रेशन के समय 40 वर्ष तक, तो उसके लिए यहाँ पर उनके उम्र के बेसिस पर जो स्लैब रखा गया है आप देख सकते हैं यहाँ पर 55 से 200 रुपये आपको पेंशन निधि के तौर पर अंशदान जमा करना अनिवार्य होगा, 55 से 200। अब ये वेरी कर रहा है तो आपके, इसीलिए हमने बोला कि एज पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना रुपए एग्जैक्टली देना है। क्लियर है किसान मानधन योजना क्या है, वो चीज़ को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब इसमें ही पहला, सॉरी, दूसरा पोजिशन मिला हुआ है झारखंड को। किसानों को एक तरह से बोल सकते हैं कि ये पेंशन योजना है, सीधा सा ये पेंशन योजना है जिससे कि पूरे देश भर के जो किसान हैं उनको ये इसका बेनिफिट मिलेगा। आपको बता दें इसमें 20 दिन में ही, झारखंड में सबसे ज़्यादा अचीवमेंट होने का रीज़न है कि 20 दिन में ही राज्य भर के 21 हजार किसानों को इस पेंशन योजना से जोड़ा जा गया है। इस योजना के तहत किसानों को जोड़ने में राज्य में पलामू जिला अव्वल है, मतलब कि सेकेंड पोजीशन पूरे देश में मिला हुआ है। उसमें भी अगर हम राज्यों में जिलों का बात करें तो पलामू जिला इसमें सबसे फर्स्ट पोजीशन पर है, मतलब कि किसान मानधन योजना के तहत किसानों को जोड़ने में पलामू सबसे आगे रहा है हर जिला में, 24 झारखंड के 24 जिलों में मात्र 20 दिन में 2,21,000 किसानों को जोड़ा जा चुका है जिससे कि उन्हें ये पेंशन का लाभ 60 वर्ष के बाद उन्हें मिलेगा। अगर हम पहला पोजीशन पर देखें तो पहला पोजीशन पर पूरे देश में हरियाणा को फर्स्ट पोजीशन मिला हुआ है। किसानों को जोड़ने की आंकड़ों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो राज्य का पूरे देश में हरियाणा के बाद दूसरा स्थान है, हरियाणा को फर्स्ट पोजीशन मिला हुआ है और झारखंड को सेकेंड पोजीशन। हरियाणा में अब तक 4 लाख किसानों को जोड़ा जा चुका है और झारखंड में 2,21,000 किसानों को किसान मानधन योजना के तहत जोड़ा जा चुका है। पलामू का अव्वल पोजीशन रहा है, यहाँ अभी तक 20,000 किसानों को जोड़ा जा चुका है इस योजना के तहत, जबकि बोकारो दूसरा पोजीशन पर है, तीसरा पोजीशन पर पश्चिमी सिंहभूम है, चौथा पोजीशन पर देवघर है और धनबाद को 5वें पोजीशन पर रखा गया है, रांची 6ठे स्थान पर है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ अब तक आपका 13,000 किसानों को मानधन योजना से तहत जोड़ा गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जिले हैं जहां पर आंकड़ा 10,000 के लगभग है। ये बहुत सारे जिले हैं जैसे कि दुमका, चतरा, गढ़वा, गुमला, गोड्डा, जामताड़ा, खुट्टी, कोडरमा, लातेहार, लोअर दरगाह, पाको, रामगढ़, साहेबगंज, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा, यहाँ 10,000 के आंकड़े के भीतर है, मतलब कि अब तक अप्रोक्स 10,000 तक के, एग्जैक्ट डाटा नहीं है इसे मान लीजिएगा कि अभी तक झारखंड सॉरी गढ़वा में 10,000 है, ये 10,000 तक के रेंज में है। 13,000 के रेंज में ये सारे जिले हैं, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, देवघर और धनबाद, और जो 20,000 का रेंज में सिर्फ एक ही जिला है पलामू। क्लियर है, तो अब तक इस तरह से 2,21,000 इस योजना के तहत जोड़े गए हैं जिससे कि किसानों को बेनिफिट मिलेगा। पहला पोजीशन हरियाणा को मिला हुआ है और तीसरा पोजीशन यूपी को मिला हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट हमने बताया हरियाणा, सेकेंड झारखंड अपना हो गया और थर्ड आपका हो गया यूपी, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है आपका जो करेंट अफेयर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है, महात्मा गांधी की जो जयंती 2 अक्टूबर को यहाँ पर झारखंड में पतरातू में 70 करोड़ की लागत से लेक रिजॉर्ट का उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा। आपको पता है कि महात्मा गांधी की इस बार 150वीं जयंती मनाई गई है जिसमें कि सफाई अभियान को इस विशेष महत्व दिया गया था और सिंगल यूज प्लास्टिक को उसको मना करना है, रोकना है, और साथ ही आपका उसी के तर्ज पर यहाँ पर झारखंड में भी आपका एक लेक रिजॉर्ट का उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा जिसकी लागत आपका 70 करोड़ रुपए है। क्लियर है, साथ ही आपका दूसरे फेज के 87 करोड़ के
का शिलान्यास भी किया गया है। पहला जो इसका पहले ही शिलान्यास किया गया था, जिसका उद्घाटन 2 अक्टूबर को किया गया है, जिसकी लागत 70 करोड़ थी। साथ ही इसका दूसरा फेज के लिए भी शिलान्यास किया जा चुका है, जिसका लागत आपका 87 करोड़ रुपए अनुमान लगाया गया है। उन्होंने कहा कि पतरातू का नाम अब अंतर्राष्ट्रीय है। ये चीज किया जा रहा है क्योंकि पतरातू जैसा कि झारखंड की बहुत सारे ऐसे जगह है जो कि एक अगर उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा तो वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के तौर पर वो उभर सकते हैं। इस बेसिस पर इस सारे कार्य किए जा रहे हैं। और जो पतरातू डैम का जो निर्माण किया जा रहा है, मुंबई का जो मनी मनी मरीन ड्राइव है उसके तर्ज पर इसे विकसित किया जा रहा है। एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है कि जो पतरातू का डैम है किस तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, तो उसमें आपका ऑप्शन होगा मरीन, मुंबई का मरीन ड्राइव। इसमें आपका क्या खास रहेगा, इस रिजॉर्ट में आपका सैरगाह रहेंगे, चिल्ड्रन पार्क रहेंगे, गेस्ट हाउस, छठ घाट भी रहेगा, एडवेंचर इन वाटर स्पोर्ट्स भी रहेंगे, और साथ ही आपका विद्युत सजा भी रहेगा और भव्य प्रवेश द्वार पार्किंग एरिया की सुविधाएं यहाँ पर मिलेगी। क्लियर है? तो इस तरह से आज आपका जितने भी करेंट अफेयर्स थे, 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक के जितने भी इम्पोर्टेंट थे सिर्फ झारखंड से रिलेटेड, वो हमने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया और सारे चीज़ को हमने बताया कैसे आपको कहाँ से किस चीज़ को ध्यान में रखना है, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज बस इतना ही। साथ ही आप अगर झारखंड जीएस के ऑनलाइन क्लासेस जेएसएससी सीजीएल के ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका एक नया बैच आपका 10 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अनदर पार्ट के साथ, और भी बहुत सारे अदर वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू एवरीवन।